नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और आज मैं ललित धमानिया आपके लिए एक ऐसी न्यूज लेकर आया हूं जहां पर हम बात करेंगे सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जी हां सी टेट के बारे में। और वो बहुत महत्वपूर्ण सूचना है जो आप सबको पता होनी चाहिए। और वो सूचना क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे। वो सूचना बहुत सिंपल सी है कि यहाँ पर अभी जो सी टेट ने गाइडलाइंस जारी किए हैं उसके अकॉर्डिंग आप सी टेट में अपियर हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे, या फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा या एक्सेप्ट हो जाएगा। तो कुछ कंडीशंस जो सी टेट ने रखी हुई हैं उस एलिजिबिलिटी को आज हम देखेंगे कि क्या क्या एलिजिबिलिटी है। और फॉर्म भरने से पहले आप भी उन एलिजिबिलिटीज को जरूर चेक कर लीजिएगा, नहीं तो आपका फॉर्म भी रिजेक्ट हो सकता है। तो दोस्तों देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं क्या क्या सी टेट ने एलिजिबिलिटीज रखी हुई हैं। तो देखेंगे आगे का वीडियो। वेलकम टू नित्या क्लासेस, लर्निंग टुडे लीडिंग टुमारो। प्लीज सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट वीडियोस। दोस्तों मैंने जो ये आपको डायरेक्ट वेबसाइट पे इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो न्यूज़ हम दे रहे हैं वो ऑथेंटिक है नहीं है, या आपको इसके बारे में जानकारी है कि नहीं है। तो दोस्तों देखिए, आप अगर खुद पढ़ना चाहते हैं तो आप यहाँ एलिजिबिलिटी में जाएंगे और एलिजिबिलिटी में जाकर के देखेंगे तो यहाँ पर देखिए कुछ जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है। लास्ट अपडेट जो है ये 23 तारीख को हुई है, 23/12/2015 में। और इसके अकॉर्डिंग जो एलिजिबिलिटीज हैं वो फिर से एक बार चेक कर लें फॉर्म भरने से पहले। अगर आपको नहीं पता है तो वो बता देता हूं। वो सिंपल है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर बिकमिंग टीचर फॉर क्लास 11 to 12, अगर आप चाहें तो इसको हिंदी में पढ़ सकते हैं। मैं इसको हिंदी में कर देता हूं जिससे कि आपको सारी चीजें पता रहें। हिंदी की अगर हम बात करें तो इसमें देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि यहां पर सिंपल पात्रता में आप जाएं तो हिंदी इंग्लिश में चाहो उसे पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सारी एलिजिबिलिटीज के बारे में पता होना चाहिए कि बेसिक जो एलिजिबिलिटीज हैं वो हैं 1 से 5 हेतु देखा जाए तो आपका सीनियर सेकेंडरी यानी 12th क्लास में आपके पास, अगर आप सीनियर सेकेंडरी की बात कर रहे हैं और 5th यानी या प्राइमरी का जो प्राथमिक स्तर का पेपर फिल कर रहे हैं तो आपके पास न्यूनतम 50% मार्क्स यानी 50 अंकों के साथ आरंभिक शिक्षा में 2 वर्ष डिप्लोमा होना चाहिए। अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले उत्तीर्ण विद्यार्थी भी या इसमें अप्लाई कर सकते हैं, यानी उत्तीर्ण वाले भी भर सकते हैं और जो अंतिम वर्ष में है वो भी भर सकते हैं, लेकिन आपके पास 12th क्लास में क्या होना चाहिए, 50% मार्क्स आपके होने चाहिए तभी आप इसमें भर सकते हैं। या दूसरा है एलिजिबिलिटी इसमें देखी जाए तो देखिए यहाँ पर लिखा है कि सीनियर सेकेंडरी जो शिक्षा है उसमें ये देखिए, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ जिससे कि आपको पता लग जाए कि सीनियर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष न्यूनतम 45% अंकों के साथ, यानी सीनियर सेकेंडरी क्या है 45% अंकों के साथ और एनसीईटी रेगुलेशन 2002 के अनुसार आरंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा चाहे किसी नाम से जाना हो के अंतिम वर्ष में शामिल होने वाला विद्यार्थी भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। सीनियर सेकेंडरी थर्ड वर्ड की बात करें तो सीनियर सेकेंडरी में न्यूनतम 50 अंकों के साथ 4 वर्षीय आरंभिक शिक्षा में स्नातक बीएड या बीईएल या अंतिम वर्ष में सब में अंतिम वर्ष वाले अभ्यर्थी भी अप्लाई कर सकते हैं। और बात करें नेक्स्ट की तो सीनियर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष 50% के साथ 2 वर्षीय डिप्लोमा के अंतिम वर्ष में शामिल होने विद्यार्थी या उत्तीर्ण विद्यार्थी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, अथवा स्नातक और प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा के अंतिम वर्ष में शामिल होने वाला या उत्तीर्ण विद्यार्थी इसमें एलिजिबल होगा। तो दोस्तों प्राइमरी पेपर के लिए आप ये एलिजिबिलिटी चेक कर लें। और बात करते हैं जो उच्च प्रारंभिक स्तर का पेपर है यानी जूनियर लेवल का जो 6th to 8th के लिए है, तो इसमें देखिए साफ लिखा है कि स्नातक और आरंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा चाहे किसी भी नाम से जाना हो कि अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले अभ्यर्थी, यानी स्नातक और प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष, यानी आपके पास 2 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए या आप सेकेंड ईयर में होना चाहिए या आपने स्नातक किया हो, अथवा स्नातक में कम से कम 50% अंकों के साथ, यानी जिनका बीएड 1 साल का था जो बीएड कर चुके हैं उनके लिए 50% से आप 50% से आपके अंक
बराबर या ज्यादा होने चाहिए और आपके पास बीएड होने चाहिए। तो आप यानी जो एक वर्ष, यहाँ देखिएगा, यहाँ पर जो एक वर्ष के विद्यार्थी हैं जिन्होंने एक वर्षीय डिप्लोमा किया हुआ है बीएड का, उनके ग्रेजुएशन में 50% अंक होने जरूरी है। वैसे ये एलिजिबिलिटी अपने आप हो जाती है, क्योंकि जब बीएड में अप्लाई करते हैं तो वहां पर भी आपको 50% का माना जाता है। या वो भी अप्लाई कर सकते हैं जिनका स्नातक में कम से कम 45% के अंकों के साथ संबंध में समय समय पर जारी एनसीटी रेगुलेशन अनुसार एक वर्षीय स्नातक में डिप्लोमा, यानी 45% के विद्यार्थी भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सीनियर सेकेंडरी में कम से कम अथवा 50% के साथ 4 वर्षीय आरंभिक शिक्षा अधिनियम, यानी 4 ईयर का डिप्लोमा किया हो तो उसके पास सीनियर सेकेंडरी का 50% होना चाहिए। तो ये सारे के सारे जितने भी हैं, ये आप जितने भी यहाँ पर दिए हुए हैं सारी चीजें बहुत काम की हैं। और लास्ट में देखा जाए तो यहाँ पर एक चीज और लिखी है, ऐसे अभ्यर्थी जिसके पास उपयुक्त योग्यता नहीं होगी केंद्रीय शिक्षा पात्रता परीक्षा में शामिल होने के लिए पात्र नहीं होगा। कि बाद में आपको प्रॉब्लम हो, बाद में पता लगे, तो आप अपनी एलिजिबिलिटी यहां पर जाकर के चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आपके पास कितनी एलिजिबिलिटी है कि आप इस परीक्षा में बैठ पाएंगे कि नहीं बैठ पाएंगे। तो दोस्तों, जैसा कि सीटेट ने नोटिफिकेशन जो कोर्ट ने जारी भी कर दिया था, हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था आपको कि जो परीक्षा है वो अगस्त या जुलाई के लास्ट वीक में, अगस्त के मिड तक पॉसिबल है, वो कराना जरूरी है सीबीएसई को। तो अपनी आपकी जो परीक्षा में एलिजिबिलिटी है उसको चेक करके आप परीक्षा में बैठें और तैयारी में लग जाएं। और इसके साथ साथ सीटेट से रिलेटेड जो भी क्वेरी आपके माइंड में आती है तो आप हमें जरूर लिखें, और सीटेट के लिए हम जो है आपको नई नई वीडियोस और नए नए नोट्स और क्वेश्चन पेपर्स देते रहेंगे। तो दोस्तों, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्लीज बी विद अस एंड कीप वाचिंग आवर चैनल। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग सीटेट एग्जाम। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।